हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में एयर स्टैंडर्ड साइकिल से कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आईसी इंजन सब्जेक्ट से लिया गया है। ये एसएससी जेई एंड ऑल पीएसयू जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कम्बसन इंजन। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं और लास्ट में चेक करें कि आपके कितने आंसर राइट हुए और नीचे कमेंट्स करके बताएं। ओके, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। नॉट एन इंटरनल कम्बसन इंजन, तो डीजल इंजन इंटरनल कम्बसन इंजन है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी इंटरनल कम्बसन इंजन है यानी आईसी इंजन, और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी आईसी इंजन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टीम इंजन, ये इंटरनल कम्बसन इंजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हर बार हर एग्जाम में आते ही हैं और इस टॉपिक से ऐसे भी आईसी इंजन से ये जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेशन रेशो फॉर अ डीजल इंजन में हैव अ रेंजेस ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 16:20, और 8:20 जो है ये पेट्रोल इंजन का है, पेट्रोल इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, मतलब यहाँ जहाँ जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ वो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन द डीजल साइकिल। इसको आप ऐसे कर सकते, देखिए कंप्रेशन अगर सेम है, कंप्रेशन रेशो सेम है तो ऑटो साइकिल जो होता है, ऑटो साइकिल ज़्यादा मोर होता है, उसके बाद होता है ड्यूअल साइकिल, देन डीजल साइकिल। एक चीज और है, कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, सेम हीट एडिशन, ठीक है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो डीजल साइकिल सबसे ज़्यादा होता है इफिशियंट, डीजल साइकिल, देन ड्यूअल साइकिल, देन ऑटो साइकिल, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट इफिशियंट। तो देखिए इसके पहले मैं बताया हूँ कि मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर अगर सेम है तो उसमें क्या होगा, कौन से ज़्यादा इफिशियंट होगा, ठीक है। तो आपको अभी आंसर समझ गया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, डीजल साइकिल। अगर प्रेशर और टेम्परेचर मैक्सिमम है, सेम है, तो डीजल साइकिल ज़्यादा इफिशियंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्रेशन रेशो ऑफ आईसी इंजन इज, तो इसको पीवी डायग्राम से मैं बता देता हूँ। ये है पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये पीवी डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ठीक है। तो कंप्रेशन रेशो यानी CR इक्वल टू होता है V1/V2, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, इसको CI इंजन भी बोलते हैं, CI इंजन। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है वो डीजल इंजन होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ठीक है। और पेट्रोल इंजन जो होता है SI इंजन होता है, SI यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन, ओके। नेक्स्ट,
पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो देखिए डीजल साइकिल पे डीजल इंजन वर्क करता है और पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। रैंकाइन साइकिल पे थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है और कार्नोट साइकिल पे हीट पंप, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, डीजल साइकिल पे डीजल इंजन वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे पेट्रोल इंजन, रैंकाइन साइकिल पे थर्मल पावर प्लांट एंड कार्नोट साइकिल पे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर या फिर हीट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशो बिटवीन। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, तो इस पी एम ई पी मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू होता है वर्क ऑफ वन वी एस। ये जो वी एस होगा वो हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, और वी सी जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि वी एस होगा स्वेप्ट वॉल्यूम होगा या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, द नेटवर्क प्रोड्यूस एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल इफिशियंसी ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन इज। तो ये होता है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन जो होता है लेस इफिशियंट होता है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन से, क्योंकि इसमें लॉसेज जो टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन में लॉसेज ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज द हाइएस्ट थर्मल इफिशियंसी फॉर अ गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल टेम्परेचर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टाइलिंग साइकिल। ओके, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल आइसोबार, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एरिक्सन साइकिल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। देखिए, एन आईसी इंजिन हैज अ बोर एंड स्ट्रोक इच इक्वल टू टू यूनिट्स। ओके, द टोटल एरिया टू कैलकुलेट हीट लॉस फ्रॉम द इंजिन कैन बी टेकन एज, ठीक है, तो टोटल एरिया जो होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, टोटल एरिया इक्वल टू होता है पाई डी एल, डी होता है जो बोर होता है, बोर होता है वो जो डायमीटर होता है उसको बोर बोलते हैं, और स्ट्रोक होता है उसको लेंथ बोलते हैं, यानी एल, तो इच इक्वल टू टू यूनिट्स है, ठीक है, तो पाई इंटू टू इंटू टू, बोर भी टू है और लेंथ भी टू है, स्ट्रोक भी टू है, तो टू टू या फोर, फोर पाई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फोर पाई। क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर्सिबल कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इज। देखिए, किसी भी साइकिल में जो प्रोसेस होता है फोर प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस जो होता है किसी भी साइकिल में फोर प्रोसेस होते हैं, और यहाँ पे थ्री प्रोसेस है, ठीक है, थ्री प्रोसेस है, तो सिर्फ एक ही लीनियर साइकिल में ही थ्री प्रोसेस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लीनियर साइकिल। ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम, जो वन टू टू है वो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। देखिए, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर का लाइन है, प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एंड टू टू थ्री जो है वो हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन। ओके, एंड थ्री टू वन है वॉल्यूम, यहाँ पे क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ हीट इंजिन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द इफिशियंसी विल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, डिक्रीज एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल साइकिल हैव इक्वल थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, तो इक्वल थर्मल इफिशियंसी किस में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, स्टेडलिंग एंड ऑटो साइकिल। ओके, तो फ्रेंड आपको अगर और अच्छे से ये बुक अगर डिटेल में पढ़ना हो तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर रहा हूँ, बुक बता देता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, इंटरनल कंबसन इंजिन आईसी इंजिन का बुक बता देता हूँ, आईसी इंजिन बाय फाइल, एक बुक है वी गणेशन जो मैग्रा हिल पब्लिकेशन का आता है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन का आता है, और दूसरा जो बुक है वो है ये एम एल माथुर, इसका भी नाम है इंटरनल कंबसन इंजिन आईसी इंजिन। ठीक है, एम एल माथुर एंड आर पी शर्मा, ये धनपत राय पब्लिकेशन का बुक आता है। ठीक है, धनपत राय पब्लिकेशन। ठीक है, इस ये बुक का मैं डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन में बुक का ये लिंक मैं दे दूंगा, अगर आपको लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।